हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन द वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु अकाडमी ओके सो लेट स्टार्ट विद योर अनदर सेशन जिसमें हम नीट थीम रखा हुआ है कि ये सात तो सौ प्लस संभव है तो हम भी अपनी सम, हर संभव कोशिश के साथ प्रयास करेंगे ओ माई गॉड सो मच हिंदी हम भी हम अप, हम अपनी हर स्ट्रैटेजी के साथ ट्राई करेंगे वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि yes हमारे स्टूडेंट्स के 700 प्लस पॉसिबल हो संभव हो जिस उम्मीद के साथ हमने ये सेशन स्टार्ट करा है उसी उम्मीद के साथ हमें हमारे रिजल्ट मिले और जितना एफर्ट्स हम सब टीचर्स डाल रहे हैं आपके श्रम सर डाल रहे हैं आपकी केमिस्ट्री टीचर्स डाल रहे हैं आपकी दानी सर डाल रहे हैं। जितने भी सब टीचर्स आपके आ, एफर्ट्स डाल रहे हैं इस पूरे पैनल में हम भी ये उम्मीद करते हैं बेटा आप भी उसी एफर्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई करोगे और हमें निराश नहीं करोगे ओके बिकॉज हमारी होप किस है आप लोगों से ही है और आप लोगों के लिए ही ये प्लान लॉन्च करा हुआ है ओके आई होप आपने जितना भी मैंने नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने जितना भी पढ़ाया था आपने पढ़ा हुआ होगा सो इट स्टार्ट विद योर अनदर सेशन इसमें आज हम क्या देखेंगे लास्ट क्लास में हमने द इंडेलो कॉर्डेटा देखा था उसके डिफरेंस देखे थे एंड उनके बीच में देखा था क्या एग्जांपल्स होते हैं क्या डिफरेंस होते हैं ओके okay? इनके एग्जांपल्स नहीं भूलना है बिकॉज एंटायर चैप्टर इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन दी एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट फाइलम वर्टिब्रेटा इफ मैं बोल रही हूँ बेटा ये वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रेटा क्यों है बिकॉज दे आर नोटो कॉर्ड इज रिप्लेस बाय वॉट देर नोटो कॉर्ड इज रिप्लेसा ना वॉट वी आर वर्टिटा अब कहना है बेटा वर्टिब्रेटा आर वॉट देर नोटो कॉड इज रिप्लेसड बाय वॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिप्रल कॉलम ओके

दे बेटा ऐसे पाउड जैसा मुंह मुद्दा इनका ओके okay? आज के बीच में ट्रेन चला था ना पाउड वाला पाउड बनाती थी, थी हर लड़कियां ओके okay? तो बेटा दे हैव हाँ अ सर्कुलर सक्टोरियल माउथ दे आर मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस व्हाट दे आर दे आर मराइन एंड दी फ्रेश वाटर फिशेस ऑल द लिविंग फिशेस बेटा

होस्ट बॉडी आउटर साइड ओके जो होस्ट बॉडी के बाहर रह रहे हो उनको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं और जो अंदर रहेंगे एंडोमीन्स अंदर घुस गए ना एंडो पैरासाइट सिंपल यार बॉडी इज स्केनलेस स्मूथ होती है कोई स्केल ही नहीं होते बहुत से बच्चे आप में से फिशर्स खाते होंगे तो आप जो फिशेस खाते हो तो फिशेज की बॉडी के ऊपर बेटा स्केल्स मिलते हैं ना उन्हीं स्किल्स के बेसिस पे हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि फिशर्स कितने टाइप की होती हैं ओके बिट इस स्केल्स के बिना पैटर्न होता है बट पी एच डी नहीं करनी है कि हाँ हम पी एच डी कर रहे हैं जोलॉजी में और इन सब में नहीं यू विल गोइंग टू बी अ डॉक्टर सो जस्ट इतना समझो कि स्केल्स होते हैं बॉडी में ये भी स्केल्स भी स्केल्स फिशेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं उसके बेसिस पे भी बेटा हम फर्दर इनको डिवाइड करते हैं ओके okay? जस्ट इतना समझ लो बहुत है मच मोर सफिशियंट बट ट्रू फिशेस कौन होती है पाइसेस बिकॉज दे हैव स्केल्स बट बेटा ये तो स्किलेस फिशेस होती हैं और इनकी बॉडी बिना स्केल्स के दिखती है स्मूथ क्या क्या इसके पास कोई स्केल है नहीं है ना एकदम प्लेन सी है तो कैसा बॉडी अपियरेंस होगा क्वाइट ऑब्वियस स्मूथ होगा सो so, बेटा स्मूथ फिशेज होती है विदाउट पेयर्ड अपेंडेचेस इनके पास कोई पेयर्ड अपेंडेचेस नहीं होता मोस्टली पॉइंट्स आर कवर्ड बाय योर एनसीईआरटी एंड सम लाइक टू 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 थ्री परसेंट बेटा व्हिच विल बी एक्स्ट्रा इन दिस पीपीटी ओके नेक्स्ट बेटा सिक्सटीन टू फिफ्टीन पेयर्ड ऑफ गिल्सलेट्स दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम दे में लिखा हुआ है बेटा है है करेंगे नहीं इनके पास स्टमक इज एपेंट बेटा एक था गैंसिय में आते हैं क्रेनियम होगा ना इनके पास क्रेनियम क्या था जिसमें ब्रेन इनक्लोज्ड होता है और इनका क्रेनियम बना हुआ है बेटा कार्टिलेजनियन का और इनका वर्टिब्रल कॉलम भी किसका बना हुआ है बेटा कार्टिलेज का ठीक है ये बात नहीं भूलनी इनका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दे आर मेड अप ऑफ दी कार्टिलेजनस एम आई क्लियर बेटा एक होती है आपकी पेट्रोमाइसोन फिश वन यू हैव एग्जांपल ऑफ दी पेट्रोमाइसोन फिश जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं इसकी बेटा एक खासियत होती है पेट्रोमाइसोन की मैं इधर लिखती हूँ ठीक है बेटा <coughs> पेट्रोमाइसोन

बेटा ये जो पेट्रोमाइजोन फिश होती है ना ये बेटा माइग्रेटरी फिश होती है माइग्रेटरी बेटा एक एक प्लस एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाती है माइग्रेशन माइग्रेशन सुना होगा ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना माइग्रेट करना जैसे बहुत से लोग होते हैं वो अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में वर्क के लिए किसी और भी पर्पज के लिए जाते हैं तो वो क्या है बेटा माइग्रेशन है ना वो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं सिंस बेटा ये दिस फर्श है प्रॉपर्टी दे आर दी माइग्रेटरी फर्शेस ये माइग्रेशन करती हैं ये बेटा मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम ये मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में क्यों जा रही हैं तो द रीजन इज बेटा ये मराइन वाटर में रहती हैं सिंस बट जब इन्हें अंडे देने होते हैं जब इन्हें स्पॉनिंग करनी होती है तो दे हैव टू मूव इन दी फ्रेश वाटर वेयर दे हैव टू मूव दे हैव टू मूव इन दी फ्रेश वाटर फॉर दी स्पॉनिंग ये वहां जाके क्या करेंगी बेटा स्पॉनिंग एग लेंग करेंगी वेयर बेटा साइड में लिखो फ्रेश वाटर में किसमें फ्रेश वाटर में ओके जब ये एग ले कर देती है द एडल्ट फिश विल बी डाई आफ्टर द एग एगलेइंग आफ्टर एग एगलेइंग आफ्टर एग एगलेइंग एडल्ट फिश एडल्ट फिश विल डाई अभी एडल्ट फिश क्यों मर जाएगी देखो बेटा जब ये मराइन वाटर में रहती हैं, बट इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में जाती हैं बिकॉज ये अपने एग्स मराइन में नहीं दे सकती ड्यू टू दैलिनिटी एंड दी पीएच ऑफ दी मराइन सो दैट्स वाई दे हैव टू मूव इन दी फ्रेश वाटर फॉर द स्पॉनिंग इन्हें अंडे देने हैं तो इनको डेफिनेटली मूव करना होगा फ्रेश वाटर में बिकॉज वहाँ की सैलिनिटी पी एच एंड द टेम्परेचर सूटेबल होता है स्पॉनिंग करने के लिए सो so इन्हें मूव करना पड़ता है सिंस बेटा अब बहुत टाइम से एक ही प्लेस पर रह रही हैं और एकदम से माइग्रेशन करती हैं तो ये उसे अडाप्ट नहीं कर पाती सो so आफ्टर बेटा एगलिंग करने के बाद एक हफ्ते में इनकी डेथ हो जाती ठीक है और जो जिन जो इन्होंने अंडे दिए हैं फ्रेश वाटर में अब ये फ्रेश वाटर में जब ये अंडे बेटा जो ये बेबी से ये बड़े होंगे फिर ये बेबीज मूव करके दोबारा से कहाँ चली जाएंगी मराइन वाटर में तो ये भी स्पॉनिंग कर रहे हैं तो देखो बेटा जहां इनका बर्थ हुआ वहीं इनकी डेथ हो रही है मतलब देखो बेटा फ्रेश वाटर में ही इनका बर्थ हुआ और फ्रेश वाटर में ही दे डाई ऐसी माइग्रेशन को आप क्या बोलते हो एनाड्रोमस माइग्रेशन एनाड्रोमस माइग्रेशन द माइग्रेशन फ्रॉम वाटर टू देश वाटर दिस माइग्रेशन इज नोन एज दी एनाड्रोमस माइग्रेशन कैसी माइग्रेशन है बेटा ये एनाड्रोमस माइग्रेशन है आपकी ठीक है इसका जस्ट अपोजिट एक और माइग्रेशन होती है बेटा विच इज योर कैटाड्रोमस माइग्रेशन जस्ट नाम जान लो कैटा माइग्रेशन का यहाँ पर अगर बेटा ड्रोमस माइग्रेशन में माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है मराइन वॉटर टू मराइन वॉटर से हो रहा है फ्रेश वॉटर में है ना अब यहाँ पर आपके कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या हो रहा है माइग्रेशन होगा बेटा फ्रेश वॉटर टू मराइन वॉटर फ्रेश वॉटर से कहाँ होगा बेटा मराइन वॉटर में ये बात याद रखनी है इसको नहीं भूलना किसी भी कीमत पे ठीक है समझ में आया एनाटॉमस माइग्रेशन क्या होती है रहती मराइन में है स्पॉनिंग करनी है तो फ्रेश वाटर में गई फिर वहां पर एग ले करने के बाद एडल्ट डाई हो जाएगी फिर जो एग लेकर हैं वो जब से जैसे बड़े होंगे फिर से वो तैर के कहाँ जाएंगे मराइन में सिंपल एज दैट और ऐसी माइग्रेशन को क्या बोला होती क्या है? है ये तो सबको पता ही है यार बेटा इसमें क्या मैंने नया बताया कुछ बताया एंड नेक्स्टीन मेगजीन इज योर ओके सो दिमपरेव वॉट बेटा इट्स दी इन डायरेक्ट डेवलपमेंट ओके बेटा जो ये पेट्रोमाइजन होता है इसके लार्वा का नाम होता है अमो सीटिस लार्वा वॉट डे आर लार्वा नीन अमो सीटिसार्वा मैंने लिखा नहीं है ओके okay, मैं यहां पर लिख देती हूँ बेटा इसके लार्वा का नाम क्या होता है अमो सिटिस <coughs> सिटिस क्या है बेटा इसके लार्वा का नाम है ठीक है एनी डाउट नेक्स्ट बेटा गनाथोस्टोमेटा गैथोस्टोमेटा मीन्स क्या

क्योंकि जितनी बार बोलते हैं हम चीजों को उतनी बार याद होती है ठीक है अब बेटा देखो बचपन से आपको फिशरस की प्रॉपर्टी भी पता है। बचपन में एक पोयम भी होती थी ना मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है ऐसे होती थी ना बचपन में राइमिंग वगैरह जब हम सीखते थे सो so बेटा देखो जो ये फिशरस होती है फिश की प्रॉपर्टीज आपको पता है दे ऑल लिव इन द एक्वेटिक रीजन कोई मछली आपको टेरेस्ट्रियल पे तो नहीं घूमती हुई नजर आ रही कि हाँ मेरा मन भर गया है पानी से चलो चलो टेरेस्ट्रियल पे चलती नहीं ना ऐसे तो कोई नहीं हो रही मुझे तो नहीं लगता सो ऑल फिशेज विदाउट एनी एक्सेप्शन बेटा दे ऑल आर दी एक्वेटिक पानी में ही मिलती है आपको इनकी कैसी बॉडी होती है बेटा बोट शेप स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है और आप किसी भी छोटे से बच्चे को भी पूछोगे ना कि फिर फिश कैसे रेस्पायर करती है ज पानी में स्विम करती है तो इनके पास एक थर्ड आईलेट होती है दो आईलेट होती है एक अपर आईलेट एक लोअर आईलेट लड़किया जहाँ पर अपर आईलेट पर क्या पुट करते हैं लाइनर जो आपकी मैम ने भी करा हुआ है एंड दी लोअर हम काजल पुट करते हैं बेटा थर्ड आईलेट भी होती है जो आंखों के के ऊपर एक कवरिंग होती होती है membrane, है है ठीक तो बेटा फिशरीज पास होती है, जो इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखती है पानी के अंदर जब आप लोगों को स्विमिंग करनी होती है आप लोग बहुत से स्विमिंग करते होंगे ना तो वेन यू हैव टू अबाउट स्विमिंग तो आपको स्विमिंग करनी है आप क्या करोगे आप आंखों के ऊपर पहले गॉगल्स लगाओगे ना ऐसे ही तो नहीं है जल परे बन के सीधा कूद गए पानी में नहीं भाई तुम्हारे पास थोड़ी निक्टी टेटिंग मेमब्रेन है की हाँ चलो पानी में प्रोटेक्ट रहेंगे नहीं तुम लोगों को तो लगाना पड़ेगा ना गॉगल्स खराब ना हो एक्सेस वाटर से तो इनको नेचर ने नेचुरली गिफ्ट दिया निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन ठीक है अपने पास भी निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन थी बट नाउ इट इज वेस्टिशियल आप अपनी आंखों के कॉर्नर पे रेड रेड कलर का मास्क कनेक्टिव टिश्यू देखते हो ना विच इज योर प्लीका सेम्योनारिज अब बहुत से बच्चे ब्लास्ट हो गए गई अरे भाई ये क्या बोल दिया मैम ने क्या बता रही है डो नॉट वरी अबाउट इट इट इज नॉट एन issue. इशू अगर आपको नहीं भी पता विच इज क्वाइट ओके क्योंकि नो बडी विल गोइंग टू आस्क यू ठीक है ये हम इवोल्यूशन में फिर से डिस्कस करेंगे कि वॉट वेस्टिजल ऑर्गेन वी हैव नाउ ओके सो बेटा निकटी मेम्ब्रेन हो गई इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्स होते हैं इनके पास रेस्पायरेशन के लिए अगर आप यहाँ फिश की बॉडी देखोगे बेटा तो इसके पास देखो कितने सारे फिनस हैं है ना सो तो बेटा यहाँ पर देखो इसके पास ये क्या है डोरसल साइड पे इसके पास डॉर्सल फिन है यहाँ पर देखो बेटा पेक्टोरल फिन है पेल्विक फिन है पेक्टोरल अपना देखो पेक्टोरल गेडल वी हैव हाँ ना क्या करते हैं मूवमेंट्स करते हैं पेल्विक फिन, हाँ, पेल्विक पेल्विक फिन हाँ, तो पेल्विक हाँ, लोकोमोशन शो है शो करते हैं ना तो इनके पेक्टोरल फिन भी फिन और इनका पेल्विक फिन. में हेल्प मतलब ही टेल होता है बिना सोचे दिमाग लगाए कॉर्डा बोल दिया तो टेल के बारे में बोला मेटा इनके पास लेटर फिन है एनल फिन है ठीक है देखो पेक्टोरल फिन अपने याद रखना पेक्टोरल गर्डल है ना

गिल्स के बाहर जो कवरिंग होती है गिल्स के बाहर जो कवरिंग होती है उसको ओपर कलम बोलते हैं गिल्स है ओपर कलम क्लियर बेटा और कोई पॉइंट्स जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो अब या तो कैसे ही बताओगे फिर भी अपने दिमाग में ले आओ बेटा बेटा देखो इनके पास <coughs> मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है अब तुम इतनी डिटेल में मत जाओ वैसे मैं तुम्हारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्ञान के लिए बता देती हूँ किडनीज में भी बेटा टाइप होते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी मीजोनेफ्रिक किडनी मेटानेफ्रिक किडनी मेटानेफ्रिक किडनी बेटा वेल एडवांस्ड किडनी होती है जो अपने पास है ठीक है इनकी किडनी थोड़ी कम एडवांस्ड होती है तो दे हैव अ मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ अ किडनी इतना याद रख लो बहुत सफिशियंट है और बेटा ये एन अमाइनोट्स होते हैं एन अमाइनोट्स मीन्स बेटा इनकी जब इनकी डेवलपमेंट चलती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सो दे डू नॉट हैव अ अमनाटिक फ्लूइड जब हम अपनी मदर के वम में थे हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी तो वी आर सराउंडेड बाय सम फ्लुइड ना डाट इज सी अमनाटिक फ्लूड बट दे आर दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी एमनाटिक फ्लूड इनके पास अमनाटिक फ्लूड नहीं होता तो इनको इसलिए हम बोलते हैं एन अमाइनोट्स और बेटा ये बात अपनी दिमाग में कहीं फिट कर लो जो एन अमाइनोट्स होते हैं उनके पास टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस होते हैं और जो एमनाइट होते हैं वॉट यू आर यू ऑल आर एम्स ना तो आपके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है ये दस बारह चौदह ट्वेल्व है तुम्हारे पास ठीक है तो द्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है तो बेटा चलो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो एक बार यहां देखेंगे

मीजोनेफ्रिक किडनी होती है और एक और बात बेटा मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल मींस बेटा इनके स्कल में सिर्फ एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा इनके स्कल में सिर्फ एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा वी आर वी ह्यूमन वी आर डाइकॉन्डाइलिक जो डाइकॉन्डाइलिक है बेटा हमारे स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है हमारे स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है इनके स्कल में एक ही ऑसिपिटल कोंडाइल है तो दे आर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल गिल्स होते हैं इनके पास रेस्पिरेशन के लिए एन होते हैं ये इनके पास अमनाटिक फ्लूड होता ही नहीं है दे हैव हाँ अ टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व बिकॉज दे आर एन तो इनके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होगा ओनली टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखो इसे जल्दी ओके नेक्स्ट बेटा ये okay? इनमें अभी मैं टाइप्स बताऊंगी तो कौन सी आपकी है, है, ओके okay? नाउ बेटा अब हम टाइप्स देखेंगे अपनी फिशेस के द फर्स्ट वी है अनदर नेम दिस इज दिक्त ज्ञान अपने रिस्क वेले कृपया ठीक है कॉन्ड्रिथिस का बेटा दूसरा नाम होता है इलाजमो ब्रांच What दे have another नेम इलाज्मो ब्रांच एंड द ईस्टोथिस का बेटा दूसरा नाम होता है टेलोसेट्स और ये आने बेटा टेलोसेट्स ओके okay, इट इज एस बेटा ओके okay, मैं रेज ही कर देती हूँ। यस नाउ बेटा कोंड्रीथेस नाम में ही मतलब देखेंगे हम ठीक है क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज करा रही हूँ तो पहले तो मैं उसका वर्ड जानना जरूरी है एंड देयर मीनिंग बेटा कोंड्री कोंड्री मींस कार्टिलेजनेस दे हैव अ कार्टिलेजनियकेलेटिन वॉर्ड देव बेटा इनका एंडोस्केलेटिन किसका बना हुआ है कार्टीलेज का बना हुआ है ईस्टियो ईस्टियो वर्ड वी आर यूजिंग फॉर दी बोन के लिए हम यूज करते हैं ठीक है थीके? अभी हम आगे पढ़ेंगे ईस्टियो क्लास्ट ईस्टियो ब्लास्ट सेल होता है वॉर्ड दरबेटा दे आर दी बोन सेल्स ओके अब कॉन्ड्री बोला है कॉन्ड्री मीन्स कार्टीलेज ईस्टियो बोला है तो मतलब बोनी एंडोस्केलेटिन दे हैव ओके तो बेटा देखेंगे दे आर कार्टिलेटिनट बेटा होती है ऐसे करके याद रखो शार्क है ना शार्क क्या है आपकी कॉन्ड्रिथिस है ओके रोहू हो गई आपकी कैटला हो गई जैसे लोग खाते भी है वो क्या है आपकी बेटा इस है वो क्या डेंजरस है अगर वो डेंजरस होती है तो आप पकड़ के उन्हें खाना नहीं होते है ना बट ये कॉन्ड्रे थे इस कभी को देखा है शाक को लोग पकड़ के स्विम में से लेकर आने ले, चलो चलो खाएंगे आपको खा जाएगी शार्क ओके छोटी थी मैं तब डिस्कवरी में देखती थी मुझे बड़ा क्रेज था यार कितनी अच्छी लगती है ये शार्क ये वो ऐसे करके मतलब मुझे काफी कूल लगते थे तो बेटा शार्क दे आर दी प्रडेशियस दी बहुत ही डेंजरस होते हैं ठीक है एंड बेटा शार्क से करके अगर आप रिलेट करके इनके वो डिफरेंसेस करोगे ना तो आपको खुद दिमाग में खुद पे खुद आएंगे किसी ने शार्क को फ्रेश वाटर में तैरते हुए देखा है गलती से भी मत बोलना कि मैम हाँ ठीक है ऐसी फालतू तो की मीम्स वीम्स यानी जोड़ने ठीक है मराइन वाटर फिशेस होती है दे आर फ्रेश प्लस मराइन वॉटर फेसोकॉर्ड प्रेसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी लाइफ एंड इनमें वर्टीपल कॉलम मैं इतनी देर से बोल रही थी ना इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं और स्केल्स भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में होते हैं तो बेटा हमें पता कैसे चला कि स्केल्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के होते हैं जब हम इन स्केल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम, हमें जो पैटर्न दिखता है स्केल का उसी के बेसिस पे हमने इनकी नेमिंग कर दी ठीक है जो आपको पैटर्न दिखता है स्केल्स का माइक्रोस्कोप के अंदर उसी के बेसिस पे हमने इनको नेमिंग कर दिया बेटा प्लेक्ट स्केल्स होते हैं एंड ये स्केल्स बेटा मॉडिफाइड हो जाते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड इनटू टीथ दैट्स व्हाई शार्क्स दे आर दी प्रोडेशस दे आर वेरी डेंजरस बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि uh, स्केल्स मॉडिफाइड हो गए हैं टीथी में नहीं इनके जस्ट स्केल्स प्रेजेंट होंगे दे हैव अ अड एंड दी दिनोइड टाइप ऑफ अ स्किल्स बेटा प्रिडेशियस होती है वो वेंट्रल होता है इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है बेटा अब ये वेंट्रल और टर्मिनल सपोज बेटा ये कार्टिलिज फिश है इनकी जो माउथ की ओपनिंग होगी ना एक मिनट इनकी जो माउथ की ओपनिंग होगी ना वो ये ऐसे है इनका माउथ बेटा ऐसे खुल रहा होगा मतलब देखो इक्वल नहीं है नीचे है ये थोड़ा बेटा वेंट्रल साइड पे है अब यही होगी तो इनका बेटा ऐसे से, सेम सेम ओपनिंग होगी ऐसे सेम ओपनिंग होगी ठीक है ये इनकी अनइक्वल होगी इसकी बेटा एकदम सेम एंड पे इनके माउथ ओपन कर रहे होंगे सो तो वेंट्रली इधर देखो अगर ये ऐसी फिश है ठीक है सो so इसके माउथ की ओपनिंग बेटा यहाँ पर होगी अनइक्वल ओपनिंग होगी इसके माउथ की ठीक है यहां से खुलना होगा वेंट्रल साइड पे अगर मैं टर्मिनल बोल रही हूँ तो बेटा अगर ये आपके फिश है तो बेटा दोनों माउथ की ओपनिंग सेम एंड पे हो रही होगी। ये बात याद रहेगी, बेटा इनके पास ओपर कुलम क्या होता है ऊपर की कवरिंग बेटा इनमें ओपरकुलम आपका क्या होगा प्रेजेंट होगा बेटा इसमें जो कॉर्ड्रेस होती है इसमें जो कॉर्डल फिन होता है वो हेट्रो सिलेकल होता बेटा इनकी जो कॉर्डल फिंस होती है ना वो अनइक्वल होती है कॉर्डल मीन्स बेटा टेल फिन ठीक है अब देखो कॉर्डल फिन हेट्रोसेरिकल है मतलब इधर देखो ये ऐसी बेटा बट ये ऐसी अनइक्वल होगी ऐसी अनइक्वल होगी बट अगर बेटा इसमें होमो मीन्स बेटा सेम उसके कॉर्डा फिन होंगे ऐसे होंगे बेटा ऐसे. ऐसे दे हैव बेटा सेम देखो यहाँ पर सेम है ना और यहाँ पर देखो बेटा अनइक्वल है. ठीक है तो दे हैव अटा इन दी कॉर्डर बट बेटा दे हैव हैव अ सीरेक्स मीन्स इनके फिन बेटा ऐसे होंगे देखो यहाँ पर देखो देख कैसा है इसका बेटा हेट्रो है ना देखो एक ऊपर है एक नीचे है यहाँ पर देखो बेटा दोनों क्या है सेम है दिख रहा है ना ठीक है ये वाला देखो नेक्स्ट बेटा इसमें ओपर कोलम एबसेंट होता है एक्सेप्ट काइमेरिया काइमेरा बेटा आपकी एक ऐसी फिश होती है कॉन्ड्रेथ में जिसके पास ओपर कोलम प्रेजेंट होता है बाकी सब में ओपर कोलम एबसेंट होता है बेटा इनके पास स्विम ब्लेडर होता है जो ये आपकी फिशेस होती है दे हैव अ स्विम ब्लेडर वॉट दे हैव बेटा दे हैव अ स्विम ब्लेडर वॉट इज द रोल ऑफ स्विम ब्लेडर बेटा स्विम प्रोवाइड करता है दैट्स टली दे डू नॉट हैव टू नीड स्विम कॉन्स्टेंटली इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करने की नीड ही नहीं है बिकॉज दे हैव अ स्विम ब्लेडर जो इन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सिंक नहीं होंगी मतलब डूबेंगी नहीं बट बेटा इनके पास स्विम ब्लेडर एबसेंट होता है स्विम ब्लैडर इज एबसेंट इन दी कॉन्ड्रथिस स्विम ब्लेडर क्या होता है बेटा एबसेंट होता है जिनकी वजह से दे हैव टू नीड स्विम कॉन्स्टेंटली इन्हें स्विम करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली वरना ये डूब जाएंगी ठीक है तो टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस दे हैव टू स्विम दैट इज योर है

बेटा मेरे साथ दोबारा बोलो ये फंक्शन कॉन्ड्रथिस और ईस्टोथिस को दूसरा इलाजम ब्रांच भी बोलते हैं को टेलोसिस्ट भी बोलते हैं बेटा जो आपकी कॉन्ड्रोथिस होती है कार्टिलेज का एंड्रोस्लिटन होता है बोनी एंडोस्केलेटन होता है जो कॉन्ड्रिथिस होती है बेटा इनमें ओपर क्या होता है एबसेंट होता है बट ईस्टिस में ओपर प्रेजेंट होता है

आपकी कॉन्ड्रेथिस में बेटा ओपर कलम नहीं होते एक्सेप्ट दी काइमेरा काइमेरा के पास बेटा ओपर कलम प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रेथिस के पास स्विम ब्लेडर नहीं होते बट इस्टोथिस तो के पास स्विम ब्लेडर होते हैं स्विम ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है बेटा बोयसी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उसे, उसे स्विम कॉन्स्टेंटली करना नहीं पड़ता बट कॉन्ड्रोथ हैव हाँ टू तो स्विम कॉन्स्टेंटली बिकॉज दे डू नॉट हैव अ स्विम लेटर एम आई क्लियर बेटा

ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मीटिंग जब ये लोग मीट करेंगे तो ये क्लास पर क्या है कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मेल अपने गैमिट किसमें ट्रांसफर करेगा बेटा फीमेल में ट्रांसफर करेगा ओके सो इट इटावा क्लासपर्स क्या है बेटा क्लासपर्स है इसके पास मेल की किसमें पेल्विक फिन में मेल की पेल्विक फिन में क्लासपर्स है जो कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर है बट टू में एबसेंट है बिकॉज बेटा इनमें ये एक्सटर्नली क्या करते हैं अपने गैमिट्स को रिलीज करते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स देखोगे बेटा एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलिडॉन विच इज योर डॉग फिश यिडॉन विच इज योर डॉग फिश बेटा डॉक्शनडॉन विच इज योर सॉ फिश इज योर ग्रेट वाइट शार्क बेटा विच इज योर ग्रेट फाइट ग्रेट वाइट शार्क बेटा नेक्स्ट है ट्राइगॉन ट्राइगोन और टोरपिडो में आप बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हो पता नहीं क्यों ही रहते हो अब इधर सुन लो ट्राइगॉन आर वाई जी ओ एन ट्राइगॉन इज स्ट्रिंग रे ट्राइगोन है इससे याद रखोगे भूलोगे नहीं टॉरपीडो अब ये तो याद रहेगा इलेक्ट्रिक रे ठीक है ट्राइगॉन स्ट्रिंग रे टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे ठीक है नेक्स्ट बेटा जो हमारी है, उसे हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा कौन सी फ्रेश वाटर होती है कौन सी मराइन वाटर होती है और किसको हम एज एक्वेरी में भी प्लेस कर सकते हैं द फ्रेश वाटर फिशेज यू हैव लेबियो रोहू जो बच्चे खाते हैं उनको पता भी होगा रोहू एंड कैटला के बारे में एंड मकुर बेटा द लेबियो रोहू कैटला विच इज योर कैटला बेटा क्लावियस विच इज य Uh, आपकी बेटा मराइन वाटर फिश है एग्जोसीटस बेटा इसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं जो इसके फिन होते हैं ना बेटा बहुत ही प्यारे होते हैं विंग जैसे लगता है जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि विंग्स है इसके पास तो विंग्स बर्ड्स क्या करती है यूज करने के लिए उड़ने के लिए ना तो ऐसा लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्स होते हैं इसके हिपो कैंपस बेटा विच इज दी हॉर्स एंड बेटा हिपो कैंपस के हिपो है बेटा पेरेंटल केयर दिखती है

पेरेंटल केयर शो करते हैं क्योंकि ये अपने ब्रूड पाउच में एग्स को कैरी करते हैं नेक्स्ट बेटा एक्वेरियम भी होंगी जिनके घर इट इज नॉट एंजल प्रिया है ना क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो लड़कों का पीछे से है मैम एंजल प्रिया एंजल प्रिया नो इट्स एंजल फिश विच इज येम एम आई क्लियर प्लीज इसे देखो एक बार ओके okay, बेटा देख लो बेटा अब नेक्स्ट क्लास है हमारी टेट्रापोडा टेट्रापोडा में आपके दुनिया भर के एनिमल्स आते हैं कौन है बेटा ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दीज ऑल आर योर एनिमल्स अब हम देखेंगे बेटा टेट्रापोडा में हमारी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं एम आई क्लियर बेटा बेटा आपका अब हम क्लास नेक्स्ट शुरू करेंगे विच इज योर क्लास टेट्रापोडा बेटा टेट्रापोडा टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है टेट्रा पोडा टेट्रा मींस व्हाट बेटा फोर टेट्रा मींस फोर एंड दी पोडा मींस बेटा अपेंडिजेस पोडा मींस बेटा अपेंडिजेस दे हैव फोर अपेंडिजेस जितने भी क्लास में टेट्रापोडा के लोग आते हैं दे हैव मोस्टली व्हाट दे हैव मोस्टली फोर अपेंडिजेस ओके अभी बहुत से लोग निशाने बन रहे होंगे मैम स्नेक में कहां फोर अपेंडिजेस तभी मैंने बोला हाउ मेनी क्लास बेटा the have class. यहां पर बेटा हम class लिखेंगे। हम ना बेटा एक बहुत अच्छे से टेबल बनाएंगे उसी टेबल में हम मोस्टली अपने क्या करेंगे सारे कैरेक्टर्स को लिखेंगे ठीक है सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे और कैरेक्टर्स में भी बेटा हम क्या लिखेंगे कि किस में क्या क्या डिफरेंस है तो यहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कवर हो जाएंगे फिर हम एक बार एनसीआर को रीड करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश नाउ ओके बेटा यहाँ पर आपकी कौन कौन सी क्लास है द फर्स्ट क्लास यू हैव एम्फीबिया मेरे साथ ऐसी ही टेबल बनाओ बेटा एम्फीबियंस लिखो यहाँ पर सेकेंड क्लास कौन सी है बेटा आपकी रेप्टाइल्स है थर्ड क्लास कौन सी है बेटा आपकी एंड द लास्ट क्लास बेटा आपकी कौन सी है मैमल्स है ठीक है मेरे साथ ऐसी बनाओ बेटा ये अच्छी सी टेबल यहाँ पर बेटा हम ये आपकी क्लास हो गई अब यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे कैरेक्टर लिखेंगे आई गेस बेटा छोटा सा हो गया थोड़ा है ना इसे थोड़ा बड़ा करते हैं कोई से मुझे बड़ा करने दो घूमेगा क्या ही? नहीं हाँ हाँ घूम रहा है घूम रहा है तुम भी सोच रहे मैम क्या है ये आपका यहां पर बेटा हम अपने कैरेक्टर्स लिखेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी क्लास लिखेंगे फर्स्ट इज योर एम्फीबिया देन बेटा यहाँ पर आपकी रेपटाइल्स आएगी एंड देन यहाँ पर बेटा ये आपके कैरेक्टर्स के लिए हो गया रेप्टाइल्स इज एंड देन लास्ट में हमारा आ गया मैमल्स ओके ओके हो गई कलाकृति फाइनली ओके तो यहाँ पर हमारा बेटा हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं द टेट्रापोडा देखो मैम ने इतनी सुंदर बनाई है तो खुद को भी बनानी है तुम्हें टाइट्रापोडा वी हैव टाइट्रापोडा है यहाँ पर लिखोगे आप कैरेक्टर्स जल्दी जल्दी लिखो यहाँ पर लिखेंगे हम कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी क्लासेस फर्स्ट क्लास है हमारी एमफीबियस यहां पर है हमारी रेपटाइल ये है हमारी ए ये है हमारे मैमल्स ओके okay? अब बेटा पहला कैरेक्टर हम लिखेंगे एक्सोस्केलेटिन किसके बारे में लिखेंगे ठीक है सो आई एम टेकिंग फॉर कैरेक्टर्स एक्सोस्केलेटिन अब बेटा एक्सो स्केलेटिन क्या होता है एग्जोस्केलेटिन मीन बेटा द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर साइड अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा अपना देखो एक्सो स्केलेटिन है

नेक के पास भी बेटा एपिडर्मल स्केल्स होते हैं उसकी स्किन पे एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिसको वो शेड ऑफ कर देता है और उसको बोलते हैं बेटा मोल्टिंग जब वो अपने एपिडर्मल स्केल्स को शेड ऑफ करता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोल्टिंग और बेटा ये एपिडर्मल स्केल्स बहुत ही हार्ड कॉर्निफाइड होते हैं और अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तुम तो में से किसी ने पकड़ा है फ्रॉग को नहीं पकड़ा मैंने तो पकड़ा था यूजुअली आई लाइक फ्रॉक लगता है क्रीप मैम बट क्यूट से होते हैं मतलब क्यूट लगता है एम फीवियन जो फ्रॉक को पकड़ोगे ना बहुत क्लाइनी सा सॉफ्ट सा होता है उसके पास कोई एक्सो नहीं होता बट हाँ उसकी डरमिस uh, में एक्सो होते हैं बट दिस इज क्वाइट एक्स्ट्रा दिस इज नॉट गिवन इन जो एन तो आपको पढ़ना भी नहीं है ठीक है पढ़ना भी नहीं है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दी पी आप पी नहीं करने के लिए आए हो पहले ये दिमाग में क्लियर करो जो सफिशियंट है उतना पढ़ो पढ़ने के लिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत है यार ठीक है तो एक्सोस्केलेटन में बेटा एम्फीबियंस के पास क्या होगा आपके एम्फीबियंस दे डू नॉट हैव अ एक्सोस्केलेटन बट यस बेटा मैमल्स uh, जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं बेटा हेयर्स होते हैं हेयर्स होते हैं बेटा उनके पास नेल्स होते हैं स्किन होती है प्रेजेंस ओके प्रेजेंट होता है उनमें ए में बात करें बेटा उनके पास फेदर्स होते हैं क्लॉज होते हैं क्लॉज बेटा जिससे वो ग्रास पर करता है ठीक है बेटा इनके पास क्या होते हैं इनके पास एपिडर्मल स्केल्स होते हैं एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो हार्ड होते, है, होते हैं कॉर्निफाइड yes no, होते हैं ये सर नो कॉर्निफाइड होते हैं प्रेजेंट होते हैं ठीक है बट आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं होते बेटा अगला फाइल अगला पॉइंट आपको देख के क्या याद आता है नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम बात करेंगे इनके स्कल्स के बारे में कि इनका स्कल कैसा होता है तो पहले बेटा जो आपके एम्फीबियंस होते हैं और मैमल्स एम्फीबियस स्कल्स मीन इनके स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगी तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स दे हैव डाई कॉन्डाइलिक स्कल्स वेव दे है मैमल्स

सिर्फ एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल है और जिसके स्कल में सिर्फ एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा उसको हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल बोलेंगे इधर देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन योर माइंड बेटा वाइंड अमाइनॉन किसके पास अमनाटिक फ्लूड है और किसके पास एबसेंट है तो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अमाइनॉन नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास अमाइनॉन होगा आप लोगों के दिमाग में क्या आता है अमाइनॉन के नाम से बेटा ये एम्फीबियंस एमफीबिये एन अमाइनोट होते हैं दे आर बेटा दे आर बेटा ये एनो होते हैं और आपके रेप्टाइल्स एस एंड मैमल्स दे ऑल आर इनके पास अमायनोटिक फ्लुड होता है जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं सो कॉमन पॉइंट है तीनों का अमाइनोटिक फ्लुइड इज प्रेजेंट इनमें आपको अमाइनिक फ्लुड देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट बेटा की बात करी है तो क्यों ना आप क्रेनियल नर्व की बात भी करी जाए और मेरे बच्चों तुम्हें क्रेनियल नर्वस तो अब पता चल ही गया होगा कि अगर ये अन है तो इसके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस होंगे वेरी सिंपल दे हैव अ टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस

अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अबाउट देयर रेस्पायरेशन नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम इनके रेस्पायरेशन से करेंगे अगर आपको याद है फ्रॉग कैसे कैसे रेस्पायर कर सकता है फ्रॉग यूज देयर स्किन फॉर द रेस्पिरेशन

पहला लिखो लंग्स फिर लिखो बेटा गिल्स बेटा लिखो स्किन स्किन से भी रेस्पायर करते हैं बेटा लिखो बक्को रेस्पिरेशन मीन्स बकल कैविटी से भी रेस्पाइरेशन कर सकते हैं मल्टी टैलेंटेड दे आर बट रेप्टाइल्स एस एंड मैमल्स दे हैव लंग्स फॉर दी रेस्पाइरेशन क्या है बेटा लंग्स है इनके पास रेस्पाइरेशन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं रेप्टाइल्स एस और मैमल्स में से किसका सबसे बेहतरीन वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो मुंह उठा के मत बोल देना मैमल्स का होता है बर्ड्स का होता है एव्स का होता है दे हैव अ एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज दे गाइस हैव एयर सैक ये चीज हम पढ़ेंगे अभी बट फॉर दैट बेटा अभी यहाँ पर इतना सुन लो भावनाओं में भैके या किसी में भी भैके ये नहीं बोलना कि वहा मैमल्स का एफिशिएंट होता है नहीं होता किसका होता है बेटा आपके एस का होता है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो इसे एक बार ओके ठीक है हम नेक्स्ट टेबल बेटा दोबारा यहां पर ड्रॉ करते हैं फिर से मुझे अपनी कुछ मल्टी टैलेंटेड ड्राइंग शो करनी पड़ेगी अब तो ये एक ही बारी में आ गया ठीक है ओके okay, बेटा तो यहाँ पर आपके क्या आ गए हैं कैरेक्टर्स आ गए हैं आपके यहाँ पर कैरेक्टर्स यू हैव एयर एयर वी हैव एटाफीबियंस एम्फीबियंस है हमारे यहाँ पर हमारे रेप्टाइल्स हैं यहाँ हमारे एव्स हैं यहाँ हमारे मैमल्स हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे इनके सर्कुलेशन से व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बेटा सर्कुलेशन

एक्सेप्ट वर्ड बेटा एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है क्रोकोडाइल हैोकोडाइल है ऑल्सो है सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में बताऊंगी की क्या डिफरेंस होता है एम्फिब के हर्ट में और रेप्टाइल्स के हर्ट में ओके okay, ये सस्पेंस है ये वहां जाके खुलेगा ओके okay? नेक्स्ट बेटा एव्स और मैमल्स दे दे हैव अ फोर व्हाट गाइस होती है बेटा सर्कुलेशन अभी पॉइंट याद कर लो डिटेल में आपको पूरा बॉडी फ्लो एंड सर्कुलेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है नेक्स्ट बेटा एक्सक्रीशन लिखो एक्सक्रेशन का पॉइंट लिखो बेटा एक्सक्रेशन में एम्फीबियंस के पास आपकी जो फिशेज होते ना पाइसिस किडनी होगा क्या होगा इनके पास बेटा किडनी होगा आपके बेटा रेप्टाइल्स एव्स एंड मेमल्स के पास मेटा नेफ्रिक किडनी होगा व्हाट दे नेफ्रिक किडनी दे हैव ठीक है बेटा तीनों के पास रेप्टाइल्स हो गया या आपकी एव्स हो गई या आपके मैमल्स हो गए सबके पास क्या होगी बेटा मेटा नेफ्रिक किडनी होगी बेटा तीन पॉइंट है हमारे आपके रीनल पोर्टल सिस्टम हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम एंड दिपैटो पोर्टल सिस्टम वन बाय वन बेटा लिखो यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम पैटो पोर्टल सिस्टम एंड नेक्स्ट बेटा हाइपो फाइजील पोर्टल सिस्टम ये तीनों पोर्टल सिस्टम बेटा अलग है ये वाला अलग है ये वाला अलग है ठीक है अब किसके दिमाग में चमक रहा है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है अरे यस yes, किसके दिमाग में चमकाएगी पोर्टल सिस्टम क्या होता है यस बेटा बेटा पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये इस कैपलरीज का एक स्पेशल कनेक्शन होता है इट इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन दी टू ऑर्गन्स बेसिकली क्या होता है एक आपका किडनी है सपोज किडनी है क्या कि आउटा होती है आउटा बेटा क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को ट्रांसफर करती है बट सपोज़ बेटा दी ये जो किडनी है ये आउटा से ब्लड डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रही पहले ये अपना ब्लड किसी और को भेज रही है एंड देन वो चीज़ बेटा आपकी फर्दर आगे ब्लड को आगे ब्लड को सॉरी आगे ब्लड पास करेगी आपके हार्ट के पास ओके okay? सो so, बेटा सपोज हिपैटो पोर्टल सिस्टम इट इज़ अ स्पेशल वेनेस कनेक्शन हिपैटो वर्ड हम यूज करेंगे लीवर के लिए एंड बेटा ये किसके बीच में है कनेक्शन लीवर एंड इंटेस्टाइन बेटा इंटेस्टाइन डायरेक्टली हर्ट के पास अपना ब्लड को ट्रांसफर नहीं करता क्यों इंटेस्टाइन का डायरेक्टली ब्लड हर्ट के पास क्यों नहीं जाता क्यों इंटेस्टाइन पहले अपना ब्लड लीवर को देता है एंड लीवर से देन वो हर्ट में जाता है बट मैक्सिमम टाइम कुछ लोग होते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या कुछ पेशेंट्स होते हैं ड्रग कंज्यूम करते हैं एंड तुम्हें पता है मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन इट टेक प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी इंटेस्टाइन में होती है तो अगर ये डायरेक्टली हर्ट को चला गया तो इट इट कुड भी प्रॉब्लमैटिक ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है आपको तो नेचर ने क्या करा सपोज तो आपका यहाँ पर ये लीवर है दिस इज आप सपोज बेटा ये लीवर है एंड ये आपका यहाँ पर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन तो बेटा इनके बीच में स्पेशल वेनेस कनेक्शन होगा पोर्टल वीन होगी तभी हम इसे हिपैटो पोर्टल सिस्टम बोलते हैं इनके बीच में बेटा एक हिपैटो पोर्टल वीन होगी इंटेस्टाइन पहले अपना ब्लड लीवर को देगा लीवर में ये ब्लड डिटॉक्सिफाई होगा देन डिटॉक्सिफाई होके बेटा ये किस में जाएगा हार्ट में जाएगा ओके नॉर्मल सिस्टम होता है बेटा हार्ट आया हार्ट से डायरेक्टली ब्लड किस में जा रहा है ऑर्गन में जा रहा है ठीक है हार्ट से डायरेक्टली ब्लड बेटा किस में जा रहा है ऑर्गन में जा रहा है बट पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बेटा हार्ट से पहले ब्लड कहाँ जाएगा ऑर्गन वन में एंड देन ऑर्गन वन से बेटा ऑर्गन टू में ठीक है

पोर्टल सिस्टम दिए जिसकी वजह से बेटा बॉडी में टॉक्सिसिटी कम रहती है पहले लीवर का काम क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना तो बेटा जो ये आपके रेनल पोर्टल सिस्टम होता है रेनल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं किडनी के लिए तो रेनल पोर्टल सिस्टम इट इज अ स्पेशल विनिस का कनेक्शन होता है आप लोगों को पता भी होगा बट फिर भी मैं यही सोच के बताती हूँ कि आपको नहीं पता बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम इट इज अ स्पेशल अल कनेक्शन बिटवीन द लोअर बॉडी पार्ट्स एंड दी किडनी पहले लोअर बॉडी पार्ट से किडनी में ब्लड आएगा किडनी में डिटॉक्सीफाई होगा देन हार्ट में जाएगा तो रीनल पोर्टल सिस्टम बेटा एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है बेटा एमरेप्टाइल्स में नहीं मिलेगा एम्फीबियंस में नहीं मिलेगा एंड मैमल्स में नहीं मिलेगा टल सिस्टम बेटा तीनों में होता है तीनों में सॉरी चारों में होता है चारों में मार्क करो बेटा हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम हाइपो मतलब बेटा हाइपोफाइसिस है बोलते हैं ना पेटाफाइसिस तो हाइपोथैलिस और आपकी पिटरी ग्लैंड के बीच में भी एक स्पेशल वेनेस कनेक्शन होता है जिसको हम हाइपोफाइजिल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं एंड ये भी प्रेजेंट होता है आपके चारों में देखो बेटा ये क्लियर हुआ आपको इसे एक बार जल्दी से देखोगे आप ओके बेटा ओके नेक्स्ट बेटा यहीं पर ही आप कुछ पॉइंट्स लिख लो आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या इसका जो भी आप लेते हैं एसएस वगैरह आपने ले लिया होगा एसएस मींस स्क्रीनशॉट मैम बी फुल शॉर्ट टर्म है नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि वेदर दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दी इनका बॉडी टेम्परेचर देखेंगे द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बेटा बॉडी टेम्परेचर ओके बॉडी टेम्परेचर देखेंगे बेटा हम एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स बेटा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स व्हाट दे आर बेटा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ठीक है आपके बेटा मैमल्स, ये वार्म होते हैं. What they are, बेटा? They are animals. बेटा कोल्ड ब्लडेड को दूसरा क्या बोलते हैं हम किलोमल एंड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा होमियो थर्मल बेटा और इनके पास क्या होता है यस yes, इनके पास बेटा फर्टिलाइजेशन कैसी होती है आपको फर्टिलाइजेशन पता होगा फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में होती है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में होती है एक्सटर्नल एंड बेटा इसमें रेप्टाइल्स एंड एवस एंड द मैमल्स में कैसी होती है फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्योंकि जब एम्फीबियंस को बेटा रिप्रोड्यूस करना होता है तो दे हैव टू गो इन टू दॉटर बिकॉज इनका फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है दे हैव टू रिलीज द गैमिट्स आउटसाइड द बॉडी एंड वाटर इज द मीडियम टू एक्सचेंज फोर गैमिट्स बिटवीन द मेल एंड द फीमेल उट दर ओवी पैरिस एंड दीवी पैरिस वे ओवी पैरिस मीन्स बेटा जो एग ले करते हैं वी वी पैरिस बेटा वो जो गिव बर्थ टू दंग वर्ल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं ठीक है सो एम्फीबियस रेपटाइल्स एंड दी एवस बेटा दे आर दी ओवी पैरिस दे आर एग लिइंग एनिमल्स वे आर बेटा दे आर एग लिइंग है ना अंडे देते हैं एग लिइंग नेक्स्ट बेटा मैमल्स मैमल्स आर दी वी वी पैरिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन बिकॉज मोस्टली मैमल्स दे आर वी वी दे गिव बर्थ टू यंग वंस यहाँ पर लिखोगे गिव बर्थ टू यंग वंस ये बच्चों को अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं अपने जैसो को सो बेटा दे आर वी वी पैरिस आई एम नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट द एक्सेप्शन जब मैं पर्टिकुलर मैमल्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगी ठीक है आपको पॉइंट क्लियर हुए आपके रेप्टाइल्स एव्स एम्फीबियंस और मैमल्स के बीच में पोर्टल, पोर्टल सिस्टम याद रहेगा बेटा देखो क्या होता है ऑर्गन वन से ब्लड कौन रिसीव ब्लड कहाँ जाता है हार्ट में जाता है सपोज बेटा नॉर्मल सिस्टम है नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा अगर मेरा सपोज यहाँ पर ऑर्गन वन है तो ऑर्गन वन बेटा डायरेक्टली ब्लड किस देगा हार्ट को बट आपके पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता ऑर्गन वन से ब्लड पहले ऑर्गन टू में जाता है ऑर्गन टू से फिर वो हार्ट में जाता है जैसे मैंने आपको हिपैटो पोर्टल सिस्टम समझाया कि इंटेस्टाइन डायरेक्टली अपना ब्लड उसको uh, नहीं देगा हार्ट को बिकॉज वहां पर डाइजेशन एब्सॉप्शन हुआ है प्रॉब्लम हो सकती है अगर कुछ चीज़ अननेसेसरी हार्मफुल हुई पहले वो लिवर में जाएगा डिटॉक्सीफाई होगा डिटॉक्सीफाई होने के बाद फिर हार्ट में जाएगा ठीक है सो वॉट इज हिपैटो पोर्टल सिस्टम बेटा और रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसिल इट इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन दी टू ऑर्गन्स वेन्स का स्पेशल कनेक्शन होता है एम आई क्लियर नेक्स्ट बेटा अब हम एनसीआरटी रीड रीड करेंगे क्विक करेंगे अगर आपको फॉन्ट क्लियर नहीं है इफ फ़ॉन्ट इज़ नॉट क्लियर टू यू जस्ट ओपन योर एनसीआर खोल लो से खोल लो नेक्स्ट बेटा क्लास एम्फीबियंस एम्फीबिया बेटा एम्फीबिया एम्फी का मतलब होता है ड्यूएल एम्फी का मतलब होता है ड्यूएल एंड बाया का मतलब होता है बेटा लाइफ दे हैव लाइफ ऑन बोथ दे हैव बेटा लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर इनकी बेटा लाइफ लैंड पे भी होती है और वॉटर के अंदर भी होती है इसलिए इन्हें एम फीवियंस बोलते हैं एम फी मीन्स जुअल बायो मीन्स लाइफ इनकी लाइफ दोनों में होती है पानी में भी होगी लैंड पे भी होगी ठीक है दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट मोस्ट ऑफ दैम बेटा दे हैव अ टू पेयर ऑफ लिम्स इनके पास बेटा टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी होते हैं जो लिमलेस होते हैं बॉडी यूजुअली किसमें डिवाइड होती है फ्रॉग याद आया बेटा हेड और ट्रंक में होती है फ्रॉग है बेटा नेक नहीं होती ना टेल होती ये क्या है बेटा इसका हेड बॉडी इज डिवाइडेड इन टू दी हेड एंड ट्रंक ठीक है बॉडी इज डिविजिबल मोस्टली की जो बॉडी है बेटा बॉडी इज डिजिबल इंटू दी हेड एंड दी ट्रंक टेल में भी प्रेजेंट इन सम सम में टेल नहीं होगी टेल में भी प्रेजेंट इन सम द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें मॉइस्ट होती है कोई स्केल नहीं होता है एक्सो होता है दे हैव हाँ आईलिड्स आईलिड्स होती है बेटा इनके पास ईयर ओपनिंग नहीं होती इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता ईयर पिना दिस इयर पिना ईयर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर मैमल्स ओनली विदाउट एनी एक्सेप्शन आपने कभी देखा है मेंढक के कान लगे हुए नहीं ना तो दे हर दे इनके पास बेटा मेमब्रेन होते है यहाँ पर इनकी आईलिड है अगर ये आईलिड है तो आईलिड के पीछे यहाँ पर बेटा एक टिम्पेनम होगी जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करेगी ठीक है और टिम्पेनम में एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी कैनाल एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू कॉमन चैम्बर कॉल द्वारका याद है मैंने क्लायका पढ़ाया था मेल एसरिस में क्या होता है क्लायका होता है क्लायका क्या होता है क्लायका इट इज अंगल चैम्बर एक कॉमन ओपनिंग होती है ना जिसमें से डाइजेस्टिव वेस्ट भी बाहर आता है आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी आता है और वहीं से गैमिट भी रिलीज होता है इनके पास सेपरेट ओपनिंग नहीं होती सिर्फ एक कॉमन चेम्बर होता है तो ये एम्फीबियंस का फीचर्स है एम्फीबियंस हैव एम आई क्लियर ओपन टू दे अ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन भी बता दिया देखो कुछ भी नया नहीं है सारे कैरेक्टर्स हम अपनी टेबल में कवर कर चुके हैं अगर तुम टेबल भी कर लो ना बहुत है बस एग्जाम्पल देखने के लिए एक बार एनसीईआरटी खोल लेना रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रू द स्किन एम आई क्लियर बेटा द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड टू ऑरिकल्स होते हैं वेंट्रिकल्स मिक्स सर्कुलेशन है दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो भी मैं पढ़ा चुकी sexes कैसे होते हैं सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन भी बता दिया एक्सटर्नल होता है होते हैं दे है इन डेवलपमेंट इन डायरेक्ट क्योंकि नेक्स्ट बेटा, बेटा बफो इज योर टॉट राना टिग्रीना राना टिग्रीना इज द इंडियन फ्रॉक बेटा हाइला विच इज योर ट्री फ्रॉक सेलमेंड्रा विच इज योर सेलमेंडर इकाइटोफिस बेटा व्हिच इज द लिंबलेस एम्फीबियंस जरूरी नहीं हर किसी के पास लिंब्स हो कुछ आपके लिंबलेस भी होते हैं एम्फीबियंस व्हिच इज योर इकाइटोफिस दिस इज क्लियर बेटा इसे देखो एक बार एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज पुट अ स्टार ऑन दैट क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन बनता ही बनता है नेक्स्ट बेटा वी हैव क्लास रेप्टिलिया रेप्टीलिया से आप क्या समझते हो रेपाइज वर्ड क्यों रखा बिकॉज बेटा कम फ्रॉम दी क्रीपिंग और दी क्रॉलिंग बड़ी क्रीप से लगते हैं क्रॉलिंग से लगती गिन क्रीपी लगता है ना फ्रॉम दी वर्ड क्रीपिंग और ये रेंगते हैं क्रॉल करते हैं उस वर्ड से हमने इनका नाम रखा है रेप्टीलिया द क्लास नेंबर नेम रेफर टू द्रीपिंग ऑर द क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन एंड इन दिन इसका मतलब क्या होता है रेपेर ऑर द रेप मतलब टू क्रीप और दी क्रॉल They are mostly terrestrial. Beta, the reptiles, they are first true land vertebrates. Reptiles are what, beta? They are first true land vertebrates. Beta true land vertebrates are reptiles. Okay? Beta, they they are mostly terrestrial animals and their body is covered by the dry, cornified, epidermal scales, so they or scutes. और बेटा ये अपनी एपिडर्मल स्केल को शेड ऑफ कर देते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मॉल्टिंग क्या बोलते हैं बेटा मोल्टिंग बोलते हैं और आप एक डाइसिस भी बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं एक डाइसिस भी बोल सकते हैं ठीक है दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग अभी बताया एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग तो भाई फीचर है मैमल्स का टिम्पेनम बेटा रिप्रेजेंट दस लिम्स वेन प्रेजेंट सो दे आर ऑलवेज टू इन पेयर ठीक है हर्ट इज यूजली थ्री चैम्बर्ड एक्सेप्शन भी देखो बट फोर्थर्ड इन दी क्रोकोडाइलोडाइल में होगा अगर मैं आपको स्नेक और लिजर्ट में कुछ डिफरेंस पूछूं तो क्या आप मुझे बता दोगे बेटा देखो स्नेक की जो टंग होती है स्नेक की जो टंग होती है वो कैसी होती है बेटा बाईफिट होती है आगे से ऐसी होती है ना स्प्रिट होती है स्नेक की जो टंग होती है बेटा ऐसी होती है ना बाईफिट तो स्नेक है बेटा टंग और लिजर्ड की टंग देखी होगी तो बेटा एंटायर होती है ठीक है स्नेक के जो आईलिड होते हैं बेटा दे आर इमूवेबल उसके आईलिड मूव नहीं कर सकते बट लिजर्ट आईलिड आर मूवेबल ठीक है अगर मैं बात करूं आईलिड की सो so जो स्नेक के आईलिड होते हैं बेटा दे आर इमूवेबल और लिजर्ड के बेटा कैसे होते हैं मूवेबल ठीक है ये कुछ बेसिक से पॉइंट है ये तो हर किसी को पता होता है ठीक है बेटा सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है दे आर ओवी पैरिस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट बेटा इनके पास जो तो आपके रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास ऑल की बहुत जबरदस्त पावर होती है दे हैव वेरी हाई पावर ऑफ द ऑल बिकॉज दे हैव जेकअ सन ऑर्गन वॉट दे है दे हैव जेकॉपन ऑर्गन ठीक है इनके पास बेटा यहाँ पर लिख देती हूँ एक्चुअली यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे इनके पास बेटा होता है. होता है और इसको दूसरा हम बोलते हैं वो मैरोजल ऑर्गन वो मैरोजल ऑर्गन भी बोलते हैं ये किस में हेल्प करता है बेटा ये हेल्प करता है ऑल में ऑल मतलब बेटा ये हेल्प करता है स्मेल में तो देखो बेटा अगर इनके पास कुछ चीज़ कम है तो कुछ चीज़ ज़्यादा है ना मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि अगर किसी के पास कुछ चीज़ कम है तो नेचर ने उसे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी दी है ठीक है तो ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ सब चीज़ इक्वल मिल जाएगी नहीं अगर कोई चीज़ आपके कम है तो आप हो सकता है आपके पास दूसरा कैरेक्टर दूसरा कोई ऐसा कैरेक्टर हो या आप में दूसरी ऐसी काबिलियत हो तो जो किसी के पास ना हो किसी चीज़ की अति मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी बेकार ही होता है ठीक है उससे आ, ऐसे मेरी मम्मी बोलती हैं ठीक है मैं बहुत ज्यादा ज्ञान में चली गई तो बेटा इनके पास डिकॉपन ऑर्गन और, और वो नेजल ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है ऑलफेक्शन फैक्शन में और फैक्शन मतलब बेटा स्मेल वगैरह में हेल्प करता है ठीक है हाँ यस एग्जाम्पल्स बेटा किलोन टर्टल ओके किलोन कौन है बेटा टर्टल स्विम करते हैं इनके पास फ्लिपर्स होते हैं टॉर्टोइ होते हैं बेटा इनकी फ्लिपर्स नहीं होती इनमें प्रॉपर डिजर्ट दिखती है, okay? है। बहुत से लोग भी होते हैं केमिलियन जैसे जो कहीं भी अपने रंग बदल के अपनी असलियत दिखा देते हैं ठीक है

स्नेक ठीक है चलो अपनी अगली क्लास पे पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास है अगली क्लास मतलब ये वाली क्लास आगे नहीं जा रही द क्लास ऑफ एस ठीक है कौन सी क्लास है बेटा आपकी अगली एस ठीक है बेटा बेटा बहुत ही सुंदर होते हैं। आप बर्ड्स को देखते हो बर्ड्स में आपको क्या अट्रैक्टिव लगता है अगर आप पिकॉक देख रहे हो तो पिकॉक क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है they so beautiful feathers. Beautiful feathers होते हैं ना इसलिए हमें बर्ड्स अट्रैक्टिव लगते हैं तो so, बेटा दे बर्ड आपकी कौन है एग्जाम्पल इज योर ऑस्ट्रिच याद रखोगे फ्राइटलेस बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर ऑस्ट्रिच कीवी भी होती है ठीक है ये आपकी क्या है ये आपकी फ्राइटलेस बर्ड्स है बेटा दे पॉसेस बीक जब हम पहले बेटा डिफ्रेंशिएटेड करते थे ओल्ड बर्ड और मॉडर्न बर्ड में अब ऐसा कुछ नहीं है मॉडर्न बर्ड जो होती है उनके बीक के अंदर टूथ नहीं होता बट अब ऐसे कुछ नहीं पढ़ना इतना डिटेल में एक बेटा एक एग्जाम्पल होता है आर्क्यो टेरिक्स अगर आपने सुनाओ एक एग्जाम्पल होता है बेटा आर्क्यो टेरिक्स आर्क्यू टेरिक्स।, टेरिक्स क्या है बेटा इट इज अ कनेक्टिंग लिंक इट इज अ कनेक्टिंग लिंक अभी आर्क्योटेरिक्स नहीं मिलता बेटा इट इज असिंग लिंक क्योंकि इसके सिर्फ हमें फॉसिल्स मिले थे बेटा आर्क्योटे बोल रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ इसके फॉस्ल्स मिले थे आर्क्योटेरिक्स नहीं मिला तो बढ़ता हुआ ठीक है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड क्यों कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं बिटवीन रेपटाइल्स एंड बर्ड्स बॉडी रेप्टाइल्स जैसी थी बर्ड जैसे फेदर थे इसलिए कनेक्टिंग लिंक बोला अब नहीं मिलता बेटा जनरली इनकी स्किन ड्राई होती है कोई भी ग्लाइंस नहीं होता एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लाइंट अगर आप फेदर्स देखोगे बर्ड्स वगैरह के तो जो बेस होता है जो उनकी टेल होती है बेस वो फेदर्स थोड़े शाइनी कर रहे होते सो क्योंकि वहां पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं जैसे आपके पास क्या है आपके पास स्वेट ग्लैंड भी है ना स्वेट ग्लैंड क्या होता है फेरिस इनके पास ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है प्रीन ग्लैंड क्या नाम होता है ऑयल ग्लैंड का दूसरा प्रीन ग्लैंड एम आई क्लियर इनकी स्किन ड्राई होगी एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जहां कहाँ प्रेजेंट होंगे बेस ऑफ द टेल में बेटा जो इनका एंडोस्केलेटन होता है मींस इनसाइड द बॉडी ुल्ली ऑसिफाइड इनकी बोन्स में बेटा न्यूमेटिक बोन्स होती है न्यूमेटिक बोन्स मीन्स इनकी बोन्स बेटा लॉन्ग होती है और हॉलो होती है खाली होती है वाइसो क्योंकि बेटा इन्हें अपनी बॉडी का वेट हल्का रखना है उड़ने के लिए भाई ये उड़ेंगी तो उड़ने के लिए बॉडी का वेट हल्का होना चाहिए ना तभी तो पापा की बढ़िया बन के उड़ेंगी <laughs> उड़ेंगी <laughs> तो बेटा बोन्स इनकी लॉन्ग होती है कैविटी होती है बोन के अंदर जिसे हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन न्यूमैटिक बोन वो होती है जिसके अंदर बोन मैरो मैरोट होता है बोन मैरो क्या होता है एबसेंट होता है

अगर ये इनके लंग्स हैं सपोज तो लंग्स में बेटा ऐसे एयर सेक लगे होंगे एंड दीस एयर सेक बेटा ये सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं एंड ये कैरी करते हैं एक्स्ट्रा एयर को क्या कैरी कर रहे हैं बेटा एक्स्ट्रा एयर कैरी करते हैं ठीक है बट एयर सेक बेटा कभी भी गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता एयर सेक गलती से भी मत बोल देना एयर सेक में गैस एक्सचेंज होते हैं नो एयर एयरसेक में कभी भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होता एल्वलाई ही होती है जहां पर एक्सचेंज होता है। गैसे नेक्स्ट बेटा एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन सेक्सेस क्या होते हैं सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ओवी पैरिस होते हैं और डेवलपमेंट कैसी होती है डायरेक्ट होती है एग्जाम्पल कॉर्वस विच इज योर क्रो कोलम्बा बेटा विच इज योर पीजन पावो, बेटा, बल्चर, okay? so, ये पूरे पॉइंट्स अपनी एनसीआर टी के लिखने हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम टेबल में कवर कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में तुम सबको सजेस्ट करूंगी जो टेबल बनाई है उसी में एग्जाम्पल्स भी लिख लूँ क्योंकि ईजी रहेगा फिर बार बार तुम्हें इधर उधर उठा के बुक्स देखने की नीड नहीं पड़ेगी ठीक है देख लो इसको

जाके सब जगह मिलते हैं बेटा देखो इन्होंने कुछ मैमल्स होते हैं उन्होंने अपने फोर लिम्स को अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने अडेप्टन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करा कुछ ने अपने फोर लिम्स को स्विमिंग पर्पस के लिए यूज़ करा कुछ ने अपने फोर लिम्स को फ्लाइंग के लिए यूज करा फॉर एग्जांपल योर बैट कुछ बेटा उससे रनिंग कर रहे हैं लाइक टाइगर वगैरह कुछ बेटा ग्रास कर रहे है वी ह्यूम वी ग्रास्ट द थिंग्स ना ओके वी ग्राफ द थिंग्स ये पैन क्या करा हुआ कर है उन्होंने ग्रास करा हुआ है पकड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं एफ सिंपल एव स्टार्ट

इसको हाईलाइट करो अपने बुक्स में बाय विच बेटा अपने यंग वंस को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं नरिश्ड करते हैं क्या करते हैं नरिश्ट करते हैं बेटा दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स ऐसे मैंने भी बताया कुछ ने अडेप्ट करा वॉकिंग के लिए कुछ ने अडेप्ट करा रनिंग के लिए कुछ ने क्लाइंबिंग के लिए बरोइंग के, के लिए स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए ठीक है अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जिसको लगा भाई मैं पानी में आ गया हूं तो मुझे तैरने के अलावा कुछ नहीं है तो उसने अपने फोर लिम्स को वैसे मॉडिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ओके नेक्स्ट बेटा दी स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक हमारी स्किन यूनिक है वाई सो बिकॉज वी हैव अ हेयर ऑन अवर स्किन जिसको लड़कियां वैक्सिंग से हटवा लेती हैं है ना लड़के भी हटवा रहे हैं नॉट लड़कियां द स्किन ऑफ द मैमल इज यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर

आपको पता है ना आपके पास डिफरेंट हैं आपके पास हैं 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 और इंसाइज को क्या बोलते हैं और हमारे टूथ कंप्लीटली इम्बीडेड है जॉ बोन में जिसको हम बोलते हैं डेंटिशन इवन तो क्रोकोडॉइल के पास भी डेंटिशन होता है ओके तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ

Macropus beta, which is the kangaroo, Petropus, Flying Fox, camellius, which is your camel, Macaca, which is your monkey, rectus Red, Canis, Dogs, Phallus, Cat, Eliphas, Elephant, Equus, Horse, Delphinius, Common delph Dolphin, Ballimonoptera, Blue Whale, Pantheria tigris, Tiger, Pantheria leo, which is your lion, Better these, Petra is quite important, Blue Whale. इसको याद रखना बिकॉज मोस्टली कंफ्यूज हो जाती हो ब्लू वेल का नाम क्या होता है तो डेट इज यो पेट्रा बेटा देखो बी फॉर ब्लू बी फॉर योर ब्लू व्हल क्वाइट सिंपल था पेलेनो पिट्रा एंड दैट इज योर ब्लू वेल इसको मार्क कर लो तो so, बेटा योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ फाइनली द एनिमल किंगडम इज फिनिश्ड नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स दैट्स इट फॉर द टुडे क्लास वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे होंगे बेटा कहीं नहीं इधर उधर सफल होना कहीं अपने दिमाग को नहीं भटकाना है फुल फोकस ऑन योर स्टडी आपका गोल होना चाहिए यू हैव टू अचीव द मेडिकल सीट इन दर गवर्नमेंट कॉलेज ओके टेक केयर बाय बाय थैंक यू